ये स्थिति है जी चिकन की। हाँ भाई देखो जी ड्यूअल टोन में भाई इसकी करी देख लो यार। वन बाई वन चक लो चिकन के लेग पीसेस। आमबदी चटनी, आम की चटनी ठीक है। बाकी जो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मुझे लगता है जितनी इसमें मेहनत हमने की हुई है देखो जी निक्का जी आप पोटा कम जो इस पे भी टैटो बने हुए हैं यार देखो। हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है जी। आज हम बना रहे हैं जी भाई रोस्टेड दही चिकन करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये देख रही है भाई चिकन के लेग और थाई पीस है जो कि 1 kg है जी, जिसको मैंने पहले से भाई नमक से भाई मैरिनेट करके रख दिया हुआ है। तो करना क्या है भाई कढ़ाई लगा दिया जी, इसमें डालते हैं जी तेल भाई भाई भर के तेल आते हैं इसमें ठीक है जी। तो जी करना क्या है जी हमको जो चिकन है भाई वो फ्राई करने का, तो जिसके हल्के फुल्के गर्म होने का वेट तो कर लो। तो जी तेल गर्म हो चुका है तो डाल दो जी इसमें चिकन के लेग पीसेस। तो जी सारे के सारे पीसेस मैंने टिका दिया जी। आपने करना क्या है आपने इसे भाई फुल फ्राई नहीं करना है ठीक है जी, इसे केवल आपने इतना ही फ्राई करना है जिसमें अपना कलर थोड़ा चेंज करते थोड़ा व्हाइटिश व्हाइटिश हो जाए ठीक है जी, मतलब 3 से 4 मिनट उसके ऊपर नहीं ठीक है जी। तो जी करीब 5 मिनट मैंने इसे फ्राई किया जी हाई फ्लेम पे, देखो जी कलर चेंज हो गया व्हाइटिश व्हाइटिश हो गया ठीक है जी। अब इसे हम निकालते हैं बाहर। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी यंत्र हमने लगा दिया जी गैस के ऊपर भाई, इस पे हमने चिकन के लेग और थाई पीस भाई रोस्ट करने की 1 by 1। तो जला मत देना केवल रोस्ट करना अच्छे से रोस्ट करना ठीक है ना, एक फ्लेवर आना चाहिए इसके अंदर। तो लो जी आखिर आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने सबको भाई रोस्ट करके रख दिया। तो करते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी बर्तन लगा दिया जी, इसमें डालते हैं जी देसी घी भाई कितना ओनली 10 tablespoons भाई 12 कर दो। तो जी इसके हल्के फुलके गर्म होने के भेज कर लियो। तो जी देसी घी अपना हल्का फुल्का गर्म हो चुका है तो डाल दो जी इसमें 1.5 चम्मच भाई ब्लैक पेपर काली मिर्चा, 3 बड़ी इलाचियां, 5-6 छोटी इलाचियां, 1 दालचीनी, 1 तेज पत्ता भाई, 4-5 लौंग। तो जी भून लो भाई चंगे से। तो जी काफी प्यारी प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है जी, गैस का फ्लेम बंद कर दो और इनके ठंडे होने का वेट कर लो जी ठीक है जी, अच्छे से ठंडे होने का। तो जी देसी घी ठंडा हो चुका है जी, टिका दो जी करछी ठीक है भाई। इसमें डालेंगे जी 5 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी यानी कि हल्दी, 3 tablespoons मीट का मसाला भाई मेरा फेवरेट जो चल रहा है आजकल ठीक है जी मार्केट में। तो जी इसे इज्जत लेकर जी मार्केट में भाई देसी क्योंकि तो जी मिला लो अच्छे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया जी, अब करना क्या भाई इसमें डालते हैं जी 200 ग्राम दही। अब आप गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, इसे आप अब उबाल आने तक भाई पकाते रहेंगे ठीक है, भाई दही फट ना जाए भाई अच्छे से पकाना इसको करछी चलाते रहना। तो जी उबाल आ चुकी है जी ठीक है दही में, अब करना क्या जी गैस का फ्लेम अब लो कर लो जी फटाफट। आप देख रहे हो क्या भैया जी लहसुन है 2 tablespoons है ठीक है जी, इसमें पानी मिला जो 1 glass, इसे गोलो मिलाओ तो डाल दो जी सारे का सारा। अब आप गैस का फ्लेम फिर हाई कर लेंगे भाई, इसमें डालेंगे जी 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर, 2 चम्मच भाई गर्म मसाले का पाउडर और भाई नमक भाई ध्यान रहे कि हमने पहले नमक मिलाया हुआ जी चिकन में ठीक है उस हिसाब से। तो जी कर दो सबको मिक्स मुक्स चंगे से। अब आप इसे करी भाई 5 से 6 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई पकाएंगे ठीक है जी इस मसाले को, और लगे कि पानी भाई कम हो रहा है ठीक है नहीं थोड़ा पानी और मिलाओगे आप और 5 से 6 मिनट भाई पकाते रहोगे आप। तो जी 5 मिनट हो गए भाई, पानी मिलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी मेरे को ठीक है ना। अब करना क्या है भाई डाल दो उसमें रोस्टेड भाई चिकन के लेग पीस अलॉन्ग विद हाई पीस भाई सारे का सारा। तो जी सारे पीस मैंने मिला दिए जी, कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया जी, अब करना क्या है इसमें मैं डाल रहा हूँ जी गर्म पानी भाई, ठंडा पानी नहीं गर्म पानी भाई बस करीब 2 glass कर दो थोड़ा सा और मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी अच्छी खासी उबाल आ चुकी है जी, करना क्या है इस पे ढक्कन रखो गैस का फ्लेम लो कर लो भाई 10 से 12 मिनट के। दोस्तों भाई 12 मिनट नहीं पूरे 15 मिनट के चक लो भाई, ये स्थिति है क्या स्थिति है जी, ये स्थिति है भाई, रंग तो बड़ा सही आया हुआ है। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार है जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपनी भाई रोस्टेड दही चिकन करी भाई, देख लो यार भाई बताओ दिखने में लग कैसा रहा भाई, देखो ये स्थिति है जी चिकन की है। और सबसे बड़ी बात भाई देखो जी ड्यूअल टोन में भाई इसकी करी देख लो यार, हैल खूबसूरत या नहीं है ये देसी घी अलोंग विद दिस मसाला कलर है भाई देखो ए? क्या लकीरें पड़ गई इसके टैटो वाली आ यार। और भाई साथ में और क्या लीजिए, साथ में ये लिया कटोरी जो इधर आके लैंड करेगी जी, दिस इज कटे कटे खीरे एंड दिस इज कटे कटे प्याज एंड दिस इज द न्यू मेहमान भाई, गर्मियां आ चुकी है भाई, कच्चे कच्चे आम आ चुके हैं खटखटे भाई, उनकी चटनी है भाई क्या कच्चे आम पुदीना धनिया हरी मिर्चा नमक दही बस बन गई चटनी। अब मुद्दा ये है कि जो ये मस्त मस्ती जो करी है ये ड्यूअल टोन वाली भाई, ये स्वाद में कैसी है भाई आ जाए इस कटोरी के अंदर भाई। देखो जी इसका टेक्सचर देखो पहले आप, हाथ जल गया भाई, टेक्सचर क्या ही है, ये तो पतली सी तो है यार है एवं गिर रही है नीचे, और भाई टेस्ट करते हैं यार अब।
आहा भाई, स्वाद तो पहला जो क्लिक करता है ना, देसी घ्यो का भाई, देसी घ्यो का जो फ्लेवर है वो बहुत ही जावर किस्म का आया हुआ है यार। मतलब कि अभी जावर नहीं है, रेसिपी जावर नहीं है, मैं देसी घ्यो कह रहा हूँ भाई, भाई जावर आया हुआ है, ठीक है जी। तो बाकी जो मसाले हैं जी, जो फ्लेवर है वो खड़े मसालों का है। दही का भाई, दही का फ्लेवर बहुत लजीज आ रहा है, और हल्का हल्का सा जो चिकन हमने रोस्ट किए थे हाँ गैस के फ्लेम पे, भाई उनका फ्लेवर भी इसमें भाई बखूबी आ रहा है। मतलब कि लेकिन हल्का आ रहा है, ज्यादा हावी होके नहीं आ रहा है यार। मतलब कि ग्रेवी ले देखे ना, गुड, मतलब कि जावर जावरा जावरानजा नहीं है भाई, आप इसे ट्राई कर सकते हो, टेस्टी है। अब मुद्दा ये है कि जो निक्का जिया कमजोर जिया लेग पीस है, इसे मैं यहाँ लैंड कराता हूँ। हाँ भाई देखो जी, भाई ये इसकी स्थिति है, देखो जी टैटोस इसके ऊपर है भाई, बारिश हो रही है बार तो आ भाई टेस्ट करते लगा लगा के। देखो रोस्ट करने से ना कहीं फ्लेवर में ना भाई फर्क पड़ जाता ही है। मुझे लगता है कि जितनी इसमें मेहनत हमने की हुई है भाई, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल है यार, सच में कह रहा हूँ। मतलब कितनी सरदर्दी करोगे ना, तो आधो बाद में बोलोगे यार इतना कुछ खास था नहीं यार, ठीक ही था यार, नॉर्मल था यार, ऐसा है। भाई मैं पोटा लेके आया था एक, मैं देखूँ पोटा है कहाँ, कहीं घूमना है, डूब गया हुआ है भैया, ये डूबा हुआ है। हाँ भैया तू भी दिया जा, देखो जी निक्का जिया पोटा कमजोर, ए भाई इस पर भी टैटो बने हुए हैं यार, देखो सही है यार। हाँ भाई, ओ भाई कितनी बारिश पड़ रही है यार बाहर। ठीक है, पोटे जस्ते नहीं इनमें यार, तो पोटे जस्ते ही धमाके वाले फ्लेवरों में एकदम जैसे बनाया था बूंजा हुआ, हमें कुछ खास नहीं है। और एक लेग पीस को नहीं खाते यार। इस पर डालते हैं जी ये मस्त मस्ती ना आम की चटनी, किसकी, आम की चटनी। अब मैं देखेगा अब क्या फ्लेवर आएगा। भाई धमाका, चटनी के साथ क्या फ्लेवर आया, बहुत ही मजेदार फ्लेवर आया, सच में कह रहा हूँ यार। तो जी पोटे पोटे तो हो गए, भाई चटनी चुटनी भी हो गई, लेग भी हो गया भाई किंग। अब मैं किंग को लेकर आता हूँ बाकी तरीके से यार। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है ना भाई, आज किंग भाई चिपका चिपका, देखो देखो कितना चिपका हुआ ना, कोई गिन पा रहे हो आप, कोई नहीं गिन पा रहे हो, देखो 1 2 3 4 कहाँ हो पाया, कोई चक्कर नहीं, नो इशूज नो इशूज। अब मुद्दा ये है कि अब कोई बढ़िया सा पीस निकालते हैं जी लेग का, और इसे यहाँ लैंड कराते हैं जी, इस किंग के ऊपर बैठ जा भाई, करी 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 आ जा, करी तो मस्त है यार, करी तो लजीज है, लजीज बट जाबर वाला लजीज नहीं यार। आ भाई पहली बाइट, टेस्टी है, मैंने कहा ना आपसे टेस्टी है बट उदमाका नहीं है, जो हम इतने टेस्ट करते आ रहे हैं जमाने से वैसा नहीं है यार। बाकी जो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ठीक है जी, ये किसी हद तक कामयाब भी है और किसी हद तक भाई कामयाब नहीं भी है, मैं ऐसे भाई इसे कह सकता हूँ, बट एक्सपेरिमेंट ठीक रहा यार, सो कहते हैं इसे ना, जो हमारा जुम करते रहते हैं। और तो दोस्तों भाई ये था जी रोस्टेड दही चिकन करी एक्सपेरिमेंट, भाई सोचो रही, आप ही ट्राई करना, मुझे बताना भाई कैसा लगा, कैसा बना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।